उज्जैन से महामंडलेश्वर आचार्य शेखर का बड़ा बयान सामने आया है। महाकाल मंदिर में कांग्रेस नेत्री नूरी खान के प्रवेश को लेकर कई हिंदू संगठन के साथ अब संतों ने भी अपना विरोध दर्ज करना शुरू कर दिया है। आचार्य ने इस मामले में कहा कि कमलनाथ के आगमन पर नूरी खान के साथ सीमी के लोगों ने महाकाल मंदिर में प्रवेश किया है। आचार्य शेखर ने वर्ग विशेष व गैर हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मंगलवार को विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य व नेत्री नूरी खान अपने समर्थकों के साथ महाकाल मंदिर पहुंची थी। नूरी खान व उनके समर्थकों के महाकाल मंदिर पहुंचने पर महामंडलेश्वर व अखंड हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य शेखर ने विरोध जताया है। आचार्य शेखर का कहना है कि महाकाल मंदिर व किसी भी अन्य मंदिरों में वृद्धमियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिस प्रकार से जगन्नाथ व रामेश्वर मंदिर में अन्य धर्म के लोगों पर प्रतिबंध है, उसी प्रकार महाकाल मंदिर में भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। उज्जैन से अरविंद देवथारे की रिपोर्ट। आचार्य जी, आपके द्वारा मुस्लिम वर्गों को लेकर टिप्पणी की गई है। कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उज्जैन में पहुंचे थे, महाकाल मंदिर दर्शन किया था, उसमें कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग भी आ गए थे, उसके ऊपर आपने विरोध जताया है, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे? जय महाकाल। में महामंडलेश्वर आचार्य शेखर, केंद्रीय मार्गदर्शक विश्व हिंदू परिषद, अखंड हिंदू सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने इस बात का विरोध किया है कि महाकाल मंदिर में किसी भी अन्य मंदिर में किसी भी विधर्मी का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम और ईसाई को खास करके हम मंदिरों में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि ये लोग अशुद्ध है, गौमांस खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाकर के अंदर आ जाते हैं, इसलिए इनका मैंने प्रतिबंधात्मक दंड की प्रक्रिया प्रारंभ की है कि इनके प्रति विरोध जताना बहुत जरूरी है। हमारे जगन्नाथ मंदिर में, रामेश्वर मंदिर में इन पर प्रतिबंध है, कोई भी हिंदू ही सिर्फ प्रवेश कर सकता है। और मुसलमानों ने आज तक करबला में या मक्का मदीना में किसी हिंदू को दिए जाने दिया क्या, जो हम इनको अंदर आने देंगे? नवदुर्गा में माता जी की मूर्ति तोड़ी जाती है इनके द्वारा, इन्हीं लोगों के साथ नूरी खान ने ही उनका सपोर्ट किया था। जब देश के हमारे जवान मर रहे थे तभी आतंकियों का सपोर्ट कर रहे थे, इसके साथ 3-4 बकरे और इन महाकाल मंदिर में घुसे थे, जो बिल्कुल सीमी के कार्यकर्ता है, गुंडे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए, ऐसी मैंने बात रखी थी। उसे देखते हैं प्रशासन ने क्या गौर किया है, अन्यथा महाकाल प्रशासन को वापस हटाया जाएगा और कलेक्टर के संज्ञान में ये बात लाई जाएगी। कौन कौन लोग मंदिर में प्रवेश कर गए थे? मंदिर में बहुत सारे लोग प्रवेश करके गए थे जो मुस्लिम थे उनके पीछे, और कुछ मीडियाकर्मी हैं जो जूते पहनकर ओंकारेश्वर मंदिर तक घूमते हैं। इन ऐसे मीडियाकर्मी जो मुस्लिम मीडियाकर्मी, इनको बाहर भगाना चाहिए, इनको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी हमारे हिंदू मीडियाकर्मियों की आवश्यकता होती है मस्जिद में जब लेने जाते हैं तो इनको भगा दिया जाता है, इसलिए इनको मुस्लिमों को भी नहीं आने देना चाहिए, चाहे कोई भी पत्रकार हो, किसी भी प्रकार का हो। आपका विरोध कब तक जारी रहेगा? मेरा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक किसी भी मंदिर से मुस्लिम और ईसाइयों का प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, अन्यथा प्रशासन को बहुत बुरी कार्रवाई के साथ भुगतना पड़ेगा।